ड्राइवर्स क्या होता है, सर्वे सर्वे करते समय अलग अलग सर्वे स्टेशनों को मिलाने से जो ढांचा बनता है, जो आकृति बनती है, उसको हम लोग ट्रावर्स करते हैं। जैसे मान लेते हैं सर्वे फील्ड है हमारी, उसमें एक स्टेशन ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है एंड लास्ट डी है। यहाँ से हम इनके बीच का सर्वेक्षण करेंगे, एक रेखा खींचेंगे इसे, फिर इसको आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। ये जो आकृति दिख रही है हमें, यही हमारा ट्रावर्स कहलाता है। बस यही इतना ट्रावर्स है। ये जो अलग अलग स्टेशनों को मिलाने से जो आकृति बनती है, जो ढांचा बनता है, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रावर्स कहते हैं, हिंदी में संक्रमण कहते हैं। ठीक, इसमें एक चीज का ध्यान ये रखना है, जब हम लोग चेन सर्वे करते थे तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच इससे दूरी निकालते थे, चेन से नापकर या टेप से नापकर। जब हम लोग कंपास सर्वे में एंगल निकालते हैं तो सिर्फ एंगल निकालते थे, यहाँ पर अपना रिफरेंस लाइन लेकर इसके एंगल निकालते थे। ट्रैवर्स में हम लोग क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं साथ में, एंगल भी निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। फिर जहां से हमारी चेंजिंग पॉइंट आएगा, दूसरा स्टेशन आएगा, सेकंड स्टेशन, यहाँ पर लोग एंगल निकालेंगे, उसके बाद फिर इसकी दूरी निकालेंगे, फिर जहाँ चेंजिंग पॉइंट आएगा तीसरा स्टेशन, यहाँ पर एंगल निकालेंगे, और इस तरीके से अपना पूरा जो सर्वे का काम है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये चीज हमारा ट्रैवर्स कहलाता है। ठीक, ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ ट्रैवर्स की बात करें अगर हम, तो दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्लोज ट्रैवर्स, बंद चंक्रम, और दूसरा होता है ओपन ट्रैवर्स, खुला चंक्रम। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स क्या होता है, जब हम अपना सर्वे का काम स्टार्ट करते हैं, माना स्टेशन ए से चलते हुए स्टेशन बी पे गए, स्टेशन सी पे गए और स्टेशन डी पर जाकर अपना काम खत्म कर दिया, यहाँ से ये लाइन मिलाते हुए यहाँ तक गए, ये आकृति बनी, यहाँ पे काम हमारा खत्म हो गया, सर्वे काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो आकृति बनेगी ये ओपन आकृति है, ये ढांचा जो है ओपन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन ट्रैवर्स कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, स्टेशन ए स्टेशन ए से बी तक गए, सी डी ई और फिर वापस ए पर आ गए, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस सर्वे करते हुए, वापस वहीं पर हम खत्म कर रहे हैं सर्वे का काम, जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पर खत्म करेंगे। तो इस तरीके से जो आकृति बनेगी सारी लाइनों को मिलाकर, ये हमारा क्लोज आकृति होगी, बंद आकृति होगी, और इस प्रकार के ट्रैवर्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज ट्रैवर्स कहेंगे। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट अलग अलग होगा, इसलिए ये ओपन होगा, खुली आकृति होगी। जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा, मतलब जहां से काम स्टार्ट करेंगे फिर वापस वहीं पर आगे खत्म करेंगे, तो ये क्लोज ट्रैवर्स होगा। क्लोज ट्रैवर्स को फिर आगे हम लोग डिवाइड करते हैं दो भाग में, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कुछ है नहीं, बस जब हम अपना सर्वे का काम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना शुरू करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कहलाता है। जब यही हम इधर से स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसी को इधर से करना स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कहलाता है। तो क्लोज ट्रैवर्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवर्स और एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। क्लॉकवाइज में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और फाइनली ए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा क्लॉकवाइज ट्रैवर्स चलेगा, जब यही हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉक ट्रैवर्स चलाएगा। बस ये इतना ट्रैवर्स है, इसके अलावा आगे कोई ट्रैवर्स का कुछ नहीं है। अब आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कंपास।
टाइप ऑफ कंपास के बारे में क्लास में बताया था, तीन प्रकार का कंपास होता है। पहला हमारा टर्फ कंपास होता है, दूसरा सर्वर कंपास, पहला ट्रफ कंपास, दूसरा सर्वर कंपास और तीसरा प्रिज्मेटिक कंपास। ट्रफ कंपास कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा, इसमें एक सुई होगी। ये सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा। दो दूसरा जो हमारा है सर्वर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास, ये सब लोग एंगल निकालते हैं, इसका डिफरेंस जरूरी है समझना, ये क्या क्या चीज होता है। ये चीजें हम दिखा भी चुके हैं क्लास में, सर्वर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, दो तीन पॉइंट बता देना है डिफरेंस, बाकी हम नोट्स दे देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से कुछ लिखने की जरूरत नहीं किसी को भी, यहाँ पर बस समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, बाकी सारे नोट्स का हम पीडीएफ दे देंगे, उससे नोट्स बना लेंगे सब लोग। सर्वर कंपास और दूसरा है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। पहली चीज सीधे सीधे नाम से पता चल रहा है, इसमें प्रिज्म होगा, इसमें प्रिज्म नहीं होगा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है इसमें कंपास में एक सर्किल होती है जिसको ग्रेजुएटेड सर्किल कहते हैं, जिसके ऊपर रीडिंग बनी होती है, ये इसमें ग्रेजुएटेड सर्किल जो होगा वो बॉक्स से अटैच होगा, पहला पॉइंट, ग्रेजुएटेड सर्किल अटैच विथ बॉक्स, जो हमारा सर्वर का कंपास का बॉक्स होगा उससे ग्रेजुएटेड सर्किल अटैच होगा और जो नीडल होगी वो फ्रीली मूव करेगी। बस समझा रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, इसको आप सही से नोट्स बना के दे देंगे, उससे लिखना सभी लोग। इसमें जो ये रिंग होगी ये प्लेट होगी ग्रेजुएटेड, ये बॉक्स के साथ अटैच होगी, जैसे जैसे बॉक्स घूमेगा ये हमारा पीतल का बॉक्स होता है उसी तरीके से ये सर्किल घूमेगी और इसके बीच में जो सुई रहेगी हमारी निडिल होगी वो फ्री रहेगी, पहली चीज। इसके लिए इसमें क्या होगा, इसमें ग्रेजुएटेड सर्किल जो होगी वो फ्री होगी और जो निडिल होगी इसकी ये इस तरीके से इसमें अटैच रहेगी। सर्किल के साथ नीडल अटैच रहेगी और सर्किल और नीडल एक साथ घूमेगा, इसमें नीडल फ्री रहेगा और सर्किल जो है ग्रेजुएटेड सर्किल जो है बॉक्स के साथ अटैच रहेगा, इसमें बॉक्स के साथ अटैच नहीं होगा सर्किल, सर्किल फ्री रहेगा, नीडल के साथ अटैच होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो है जीरो से लेकर 90 डिग्री तक के निशान बने रहेंगे, 90 आपका यहां पर होगा और जीरो यहां होगा, नॉर्थ साउथ जीरो होगा, ईस्ट वेस्ट जो होगा 90 डिग्री होगा। इसमें क्या होगा, इसकी सर्किट में जीरो से लेकर 360 तक की डिग्री के निशान बने रहेंगे, ठीक। दूसरा डिफरेंस हो गया, तीसरा डिफरेंस हो गया, इसमें डायरेक्टली हम सर्वर कंपास में डायरेक्टली रीडिंग जो होती है अपनी आंख से सर्किल पर देखते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग होती है वो प्रिज्म के द्वारा देखी जाती है, प्रिज्म में हम देखेंगे तो प्रिज्म में हमें रीडिंग मिल जाएगी। चौथा डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें चौथा डिफरेंस है सर्वर कंपास को बिना ट्रैकपॉड के यूज नहीं किया जा सकता, ट्रैकपॉड के बिना इसका यूज नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग ट्रैकपॉड पे कस के भी यूज कर सकते हैं और हाथ में लेकर भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें ट्रैकपॉड की जरूरत है, जरूरी है ट्रैकपॉड, इसमें ट्राइपॉड पे कसेंगे, कसने के बाद ही हम रीडिंग ले पाएंगे। इसमें जो है ट्राइपॉड की जरूरत भी, ट्राइपॉड पे भी कर सकते हैं और हाथ में लेकर भी कर सकते हैं, ये डिफरेंस था। बाकी चार पांच डिफरेंस और है, हम लिख के
पीडीएफ दे देंगे। अब आता है मेजरमेंट ऑफ बियरिंग। बियरिंग जो हम लोग निकाल रहे थे रिफरेंस लाइन से, किसी रिफरेंस लाइन से, किसी मेरिडियन से अपनी जो सर्वे लाइन थी उसके बीच के जो एंगल निकाल रहे थे, जो बियरिंग थी, इसका मेजरमेंट कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो इसका मेजरमेंट करने का दो तरीका हमारे पास। नंबर एक, होल सर्किल बियरिंग,